धर्मशाला के सकोह में रहने वाली दो युवतियों की जहर खाने से मौत हो गई है। ये वाकया वीरवार रात का है। एक ने टांडा मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ा तो दूसरी धर्मशाला अस्पताल में मौत को समा गई। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर दोनों ने जहर क्यों खाया। जानकारी के अनुसार मृतक दीक्षा टिप्पर बड़सर की रहने वाली है और दूसरी मृतिका वंदना जोड़े अम्ब नेरी की रहने वाली है। दोनों लड़कियां MBA की पढ़ाई कर रही थी। दोनों लड़कियां एक ही कमरे में रहती थी और दोनों ही लड़कियों की उम्र लगभग 22 साल बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। फिलहाल दोनों का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। धर्मशाला में MBA की दोनों छात्रों की मौत का मामला मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम और पुलिस कर रही है। छात्रों द्वारा लिए गए किराए के मकान पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य भी जुटाए। फिलहाल रहस्य बना है कि दोनों की मौत कैसे हुई। मकान मालिक के मुताबिक दोनों ने सरदर्द की गोलियां खाने की बात कही थी। पुलिस को भी मौके से सरदर्द की गोलियां मिली हैं। वहीं मकान मालिक के मुताबिक दोनों ही छात्राएं कक्षा में अव्वल थी, लेकिन दोनों ही रिजर्व किस्म की थी और किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। दोनों ही छात्राएं एक ही मोबाइल फोन इस्तेमाल करती थी। इस बारे में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश शर्मा ने बताया कि मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चलेगा। नाम लिखती है। क्या हुआ था रात को? कुछ नहीं, लड़की ने ऊपर से आवाज लगाई कि एक लड़की बीमार हो गई है। हम गए ऊपर, देखा तो उल्टी आ रही थी, तो हमने पूछा क्या हुआ। बोलती कि रात को खाना खाया, परांठे खाए हैं रात को, तो हमने सोचा गैस्ट्रिक बनी, हमने डाइजिन दे दी उसको पीने के लिए। तो बोलती कि नहीं, मेडिसिन पी जा रही है, मेरे को हॉस्पिटल ले चलो। हम हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पे बस देखा बाकी डॉक्टर ने। तो अब क्या हुआ उसके बाद? तो डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट देनी थी वो ट्रीटमेंट दी उनको। कितने सालों से रहती थी आपके पास यहाँ? ये 1.5 साल हो गए थे। कोई ऐसा तो नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल अच्छी लड़कियां थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। इंटेलिजेंट थी, पढ़ने में भी लाइक थी काफी। तो और बच्चे भी आपके पास रहते हैं यहाँ? नहीं बच्चे नहीं है, पहले रहती थी, वो लड़की चली गई। ये आज सुबह करीब 1:40 AM पे पुलिस स्टेशन में हमारे को एक रिपोर्ट आई थी ZS धर्मशाला से कि दो लड़कियां जो है वो पॉइजन की कंडीशन में हॉस्पिटल में आई हैं, जिस पर के धर्मशाला पुलिस स्टेशन से हमारे लोग वहां हॉस्पिटल में गए और वहां पे ये पाया गया कि दो लड़कियां वंदना और दीक्षा जो स्कूल में किराए के मकान में रहती थी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से MBA कर रही थी, वो पॉइजन खाने की सूरत में वो हॉस्पिटल में लाई गई है। एक लड़की की मौत ZS धर्मशाला, क्योंकि ये लड़कियां बड़सर की बताई जाती हैं, तो उनके भी स्नैप्स ले रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर जो भी उसमें लिखा होगा उसके अनुसार इस मामले में कार्रवाई आगे करी जाएगी।